किसी ने सुल्तान महमूद गजदवी से ये बात कही, अल्लाह अकबर, कि आपका नालायक भतीजा मेरे घर में घुस आता है। ये बात किसी बुढ़िया ने कही हजरत सुल्तान गजनवी से कि आपका नालायक भतीजा मेरे घर में घुस आता है और मेरी बेटी जवान है, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो हजरत ने फरमाया कि जब वो बदबख्त दोबारा तुम्हारे घर में आए तो मुझे फौरी इत्तला कर देना, और अपना खसूसी कोई कोड वर्ड दिया कि जब इसके साथ तू आएगी तुझे कोई मेरे तक पहुंचने में रुकावट नहीं बनेगा, तो फिर मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करूंगा। दो तीन दिन गुजरे, बुढ़िया आ गई, रात का मौका था, सुल्तान उठा, तलवार ली और साथ चल पड़ा। बुढ़िया के घर में दाखिल हुआ, दाखिल होते उसने कहा कि चराग गुल कर दिया जाए। चराग गुल कर दिया गया तो उसने जाके उस नौजवान की गर्दन काट दी। फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे पानी दिया जाए, उसने पानी का कटोरा दिया, उसने पानी पिया, फिर कहा अब चराग जला दो। जब चराग जलाया गया तो उसने लाश को देखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बुढ़िया ने कहा कि मुझे बताएं कि आपने ये तीन काम बड़े अजीब किए हैं, जब आए हैं तो चराग बंद करवाया है, फिर पानी मांगा है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। तो बादशाह ने टाला, कहा कि इस राज को राज रहने दिया जाए, लेकिन बुढ़िया जिद कर गई। तो बादशाह ने कहा सुनो कि तुमने कहा था कि आपका भतीजा हमारे घर में घुस आता है और मेरी बेटी जवान है, तो जब मैं तुम्हारे घर दाखिल हुआ तो मैंने चराग इसलिए बुझवा दिया था कि कहीं अदल के तकाजे पूरे करने में रुकावट न बने और भतीजे का चेहरा मुझे इंसाफ करने से रोक ना दे, तो मैंने इसलिए चराग बुझवा दिया। कहा बात समझ आ गई। तो कहा आपने जब चराग बाद में रोशन करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? कहा कि मैं उस दिन से परेशान था कि मेरा खून इतना गंदा हो गया कि बादशाह का भतीजा होके एक बुढ़िया के घर में जाकर यूं ज्यादती और जुल्म करता है, लेकिन जब चराग जला रोशन हुआ तो वो मेरा भतीजा नहीं था, वो कोई और था, सिर्फ हमारा नाम इस्तेमाल करता है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी नस्ल इतनी गंदी नहीं हुई है। तो कहा आपने फिर फौरी पानी मंगवाया और पिया। बादशाह ने कहा बुढ़िया ये राज रहने दो, ये ना पूछो। बुढ़िया जिद कर गई कि नहीं मुझे ये भी बताओ। तो कहा बुढ़िया फिर सुन, जिस दिन से तूने बताया था कि आपका भतीजा मेरे घर में घुस आता है, उस दिन से ना मैंने पानी पिया था ना खाना खाया था। मैंने कहा था जब तक जालिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देता उतनी देर तक ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। अब जुल्म का अंजाम तूने देख लिया, अब मेरा इतना हक तो बनता था कि दो घूंट पानी के पी लो। तो आज नाम भी तो उन्हीं का बाकी है, आज जिक्र भी तो उन्हीं का बाकी है, जिन लोगों ने अदलो इंसाफ के बखिए उधेड़ के रख दिए, फिर हरफे गलत की तरह मिट जाते हैं, उनकी कब्रों के निशान भी बाकी नहीं रहते। दुनिया के ऊपर कितने लोग थे, रजा शाह पहलवी देख लें, ईरान का शहनशाह ईरान देख लें, कि फिर बाद में देखिए कि उनको कब्र के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो जिन्होंने अदल किया, जिन्होंने इंसाफ किया, तो जमाने के ऊपर नाम उन्हीं का रहता है, और किसी मुल्क में किसी जगह पर अदलो इंसाफ से ही मुल्क और वतन कायम रहते हैं। अल मुल्क यदूमो बिल कुफर वला यदूमो बिल जुल्म, मुल्क कुफर से तो कायम रह सकते हैं लेकिन जुल्म से कायम नहीं रहते।